और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां वार्ड क्रमांक 25 विवेकानंद नगर मोहल्ले में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर भागवत कथा महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। जन सहयोग से कथा कराई जा रही है, जिसमें मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। व्यास गद्दी पर मुख्य वक्ता अरुण आचार्य जी महाराज हैं, जिनके मुखारविंद से कथा कही जा रही है। वहीं मुख्य श्रोता मोहल्ले का आम जनमानस है। कथा 16 तारीख से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगी। 15 अगस्त की शाम को नगर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मोहल्ले की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कथा के आयोजक 4 मोहल्ले हैं, क्रमशः विवेकानंद नगर, चाणक्य नगर, आजाद नगर और द्वारिका नगर। आयोजन समिति में बीपी सिंह करचुली, ब्रजेंद्र सिंह परिहार, भूपेंद्र सिंह बघेल, नरेश सिंह बघेल, केपी शुक्ला, विनोद गौतम, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने वृंदावन से पधारे ब्रह्माचारी महाराज का स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया है। और उन्होंने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर हमारे मोहल्ले में वृंदावन से पधारे संतों के द्वारा भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि वार्ड क्रमांक 25 के पार्क में नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा का आयोजन विगत 9 वर्षों से हो रहा था। आयोजन समिति ने इस वर्ष इसी स्थान में भागवत कराने का निर्णय लिया, जिसे ईश्वरीय कृपा से पधारे ब्रह्मचारी संत ने स्वीकार किया और अरुणाचार्य जी महाराज को कथा कहने के लिए बुलाया। कथा के पहले दिन गुरु ने मोक्ष के लिए भागवत सुनने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में कोई किसी का नहीं है और कब किसकी सांस रुक जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए वृद्धावस्था का इंतजार किए बिना जवानी में ही परमपिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, आंखों से भगवान की मूर्ति का दर्शन करना चाहिए, कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए और पैरों के इस्तेमाल से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इससे मन विचलित नहीं होता और हृदय में सत्य की खोज जागृत होती है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना और परम तत्व को जानना है। हम सभी व्यर्थ ही मोह माया में पड़े रहते हैं। रमेश सिंह तिवारी ने अपील की है कि कथा में तन मन धन से सभी लोग सहयोग करें। कथा में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं बुजुर्गों ने कहा कि भागवत सुनने के लिए लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, लेकिन घर के नजदीक जब कथा सुनाई जा रही है तो यह परम सौभाग्य की बात है। भगवान कृष्ण यह जानते हैं कि वृद्धावस्था में मथुरा वृंदावन की यात्रा आसान नहीं है, तो स्वयं भागवत के माध्यम से मोहल्ले में हम लोगों का उद्धार करने आए हैं।